हाय एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप का ग्लास फ्रॉम बनाना सिखाऊंगा। वीडियो कंप्लीट वॉच के चैनल पर न्यू चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पिक्सलैब ऐप को ओपन करना है और न्यू टेक्स्ट हटा देना है। और सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर नेम टाइप करना है, कोई भी आप नेम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर रोज़ी लिख लिया। तो बाकी यार, दो दिन से मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई, बिल्कुल भी यार टाइम नहीं मिलता, ठीक है। काम बहुत ज़्यादा है और टाइम बिल्कुल अब शॉर्ट सा हो गया है। मतलब ये कि यार दिन चेंज हो गए, अब आ रहा है विंटर, ठीक है। इस वजह से दिन बिल्कुल छोटा सा हो गया, टाइम बहुत ज़्यादा होता है, पता ही नहीं चलता दिन गुजर जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक हो गया तो अब आप लोगों ने करना है क्या, सिंपली यहाँ पर शेप मैंने इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देना है, सेव एज इमेज पे क्लिक करके अल्ट्रा में रखकर इसको सेव टू गैलरी कर देना है। अब आप लोगों ने आना है अडोब फोटोशॉप टच में। आप लोगों ने करना है क्या, सिंपली प्लस पर क्लिक करना है, फोटो लाइब्रेरी मैंने सबसे पहले आप लोगों ने करना है क्या, यहाँ पर पिक ऐड करनी है, ठीक है। आप लोगों ने अपनी गैलरी में वो फोल्डर ढूंढना जिसमें आप लोगों की पिक पड़ी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने पिक ऐड कर लेनी है, तो पिक मैंने यहाँ पर ऐड कर ली है। तो बाकी वीडियो कंप्लीट देख करें तब भी आप लोगों को समझ आएगी। तो बाकी यार वीडियो अगेन देख लिया करें, क्योंकि कुछ फ्रेंड मुझे कहते हैं आप थोड़ी तेज बनाते हैं, तो यार मैं ना ज्यादा तेज बोलता हूँ ना ज्यादा स्लो बोलता हूँ, ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ आ सके। क्योंकि ज्यादा स्लो बोलूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और ज्यादा तेज बोलूंगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो बस ये मसला है। आप लोगों ने करना है फर्स्ट लेयर की दो डुप्लीकेट कॉपी करनी है। फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, एफ एक्स में आना है, बेसिक में आना है और लैटिन में आना है। ये जो सर्कल होता है इस पकड़ कर ऊपर ले जाना, इसको ब्लैक कर देना है और यहाँ पे आना है और इसका ब्लैंड मोड यहाँ से स्क्रीन कर देना है। फिर सेकंड लेयर में आना है, एफ एक्स में आना है और ड्रॉप एंड शेडो में आ जाना है। इसका एंगल 135 पे करना है, ब्लर 5 करना है और जो इसकी डिस्टेंस है ये 6 पे करके यहाँ पे आप लोगों ने करना है कि सिंपली इसका ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर थर्ड लेयर में आना है, एफ एक्स में आना है, बेवल में आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने 45 पे ब्लर कर लेना है और यहाँ पर 45 ही डिस्टेंस करनी है। पहला एंगल 180 रखना है, कलर वाइट होना चाहिए। फिर आप लोगों ने दूसरा जो एंगल है ना ये 45 पे करना है और जो तीसरा एंगल है ना ये आप लोगों ने 135 पे कर लेना है। फिर टू लाइंस पे आना है और कर्व्स में आना है। कर्व्स के आप लोगों ने ये सेम सेटिंग अप्लाई कर देनी है। अब आप लोगों ने इसका ब्लेंड मोड यहाँ से लैटन कर देना है। फिर आप लोगों ने फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, एफ एक्स में आना है और ग्लो में आ जाना है। ग्लो में आने के बाद 0.6 ब्लर करना है, कलर वाइट कर लेना है, ठीक हो गया। फिर आप लोगों ने इस पर एक दफ़ा ग्लो लगा लेनी है। अच्छा, ग्लो लगाने के बाद सेकंड लेयर को सिलेक्ट करना है, पेंसिल में आना और सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है। फिर पेंसिल में आना और ट्रांसफार्म में आ जाना, एक्सपेंड पे क्लिक करके इसको फोल्ड कर देना है। इसको फोल्ड करने के बाद आप लोगों ने एक एम्प्टी लेयर ले लेनी है। फिर एंड वाले ऑप्शन में आना है, फिल एंड स्ट्रोक में आना, टाइप पर क्लिक करके स्ट्रोक लेनी है और इसकी विथ 4 पे आप लोगों ने कर लेनी है और पिक्सल डी सेलेक्ट कर देना है। एफ एक्स में आना और बेवल में आ जाना है। इसका ब्लर आप लोगों ने 15 पे कर देना है और इसकी जो डिस्टेंस है ये भी 15 पे करनी है। पहला एंगल 180 और जो दूसरा एंगल है ये कितना करना है, 45 पे कर देना है। और जो तीसरा एंगल है ये कितना करना है, आप लोगों ने 135 पे कर देना है। फिर आप लोगों टू लाइंस पे आना है और कर्व्स में आ जाना है। कर्व्स की ये सेम सेटिंग अप्लाई कर देनी है और इसको ऊपर कर देना है। फिर एफ एक्स में आना और इस पर एक दफ़ा शेडो लगा लेनी है। और अब आप लोगों ने करना है, एफ एक्स में आना है, फोटो में आना और ओल्ड सेपिया ले लेना है और इसकी सिचुएशन भी फॉलो कर देनी है। अच्छा, इतना हो गया। अब आप लोगों ने करना क्या, सिंपली यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना सेकंड लेयर में, मैजिक वैन टूल सेलेक्ट कर देना, ये वाला जो पार्ट बने हुए हैं इसको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे फिल एंड स्ट्रोक में आना है और कलर आप लोगों ने यहाँ पर कोई भी कर देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आएंगे, फिल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कलर आप लोगों ने इस तरह से ये सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है, जो भी आप लोगों को पसंद आए, जो भी आप लोगों को ठीक लगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अच्छा, इतना होने के बाद आप लोगों ने करना क्या, पेंसिल मैंने सेलेक्ट पिक्सल कर देना है और यहाँ पर ये मार्की सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर देना है, मोड माइनस कर देना है, ये वाला पार्ट आप लोगों ने उतार देना है और यहाँ पे फिर आना है और ये वाला पार्ट उतार देना है। फिर आप लोगों ने करना है कि यहाँ पर एम्प्टी लेयर ले लेनी है, एंड वाले ऑप्शन में आना है, फिल एंड स्ट्रोक में आना और स्ट्रोक रखनी है, ठीक है। इसकी वेथ कितनी करनी है, 4 पे रहने देनी, कलर वाइट रखना है, पिक्सल डी सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर पिक्सल डी सेलेक्ट कर दिया। अब आप लोगों ने एफ एक्स में आना है, बेसिक में आना है और बेवल में आ जाना है। ब्लर 15, डिस्टेंस 15, कलर आप लोगों ने वाइट रखना है। एंगल पहला 180, दूसरा एंगल कितना करना है, 45 पे। फिर तीसरा एंगल कितना करना है, आप लोगों ने 135 पे कर लेना है। फिर टू लाइंस पे आना है, कर्व्स पे आना है, कर्व्स की ये सेम सेटिंग अप्लाई कर लेनी है, इसको ऊपर कर देना है और एफ एक्स में आना है, फोटो में आना और सनी आफ्टरनून ले लेना है, इसको फुल कर देना है। अच्छा, इतना होने के बाद अब आप लोगों ने करना है, यहाँ पर कुछ पीएनजी आप लोगों ने लगाने हैं तो यहाँ पर मैं एक या दो पीएनजी आप लोगों को लगाकर दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद भी लगा सकते हैं। पीएनजी लगाना बिल्कुल इजी तरीका है, कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को एक पीएनजी लगा के दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद सारे पीएनजी लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये वाला पीएनजी मैंने लिया, इसको आप लोगों ने बिल्कुल संभाल कर देना। बाकी जो पीएनजी मैंने यूज़ किए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तरीका मेथड यही है, ठीक है। एक और पीएनजी में लगा कर दिखा देता हूँ, मैंने दो के तीन पीएनजी यूज़ किए हैं,
तो बाकी अदरवाइज आप पे डिपेंड करते हैं, आप जैसे भी लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने तरीका मतलब बताया पीएनजी आप लोगों ने ऐसे ही लगाने, ठीक है। ये वाला फ्लावर वाला भी मैं लगा कर आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाला इसको आप लोगों ने यहाँ पर रखना है। अच्छा ये लग गया, अब आप लोगों ने करना है क्या, सिंपली यहाँ पर लाइट लगानी है। लाइट लगाने का तरीका मतलब बिल्कुल ईजी है, कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं। यहाँ पे आना है वाइट लाइट हो या येलो लाइट हो, बात एक ही है। बाकी अब भी यार मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम कम था, तो मैंने सोचा यार आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, तो आप लोगों ने लाइट भी किसी जगह पर लगा देनी। ये देखें आप लोगों का ग्लास वन रेडी, इस डन पे क्लिक करके इसको सिंपली सेव कर देना है, शेयर पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। फ्रेंड आज की मेरे पास ये थी वीडियो, अगर वीडियो पसंद है लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।